नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बोकारो से पारसनाथ का पूरा जर्नी। तो आज के इस जर्नी में हमारे साथ है हमारे मित्र बचपन के आर्यन, इधर पुरुषोत्तम और अश्विनी। तो चलिए निकलते हैं राइड की ओर और दिखाते हैं आपको पूरा जर्नी। पहुंच चुके हैं पारसनाथ के मुख्य द्वार पर। देख सकते हैं मेरे पीछे ये पारसनाथ का मुख्य द्वार है और इसी द्वार से होते हुए हम लोग निकलेंगे पारसनाथ की ओर। तो चलिए इस वीडियो में बने रहे और देखते रहे इस पूरे वीडियो को और आनंद उठाएं इस पूरे जर्नी का। पारसनाथ हम लोग इन कर चुके हैं, यही वो रास्ते हैं जो हमें पारसनाथ की पहाड़ियों की ओर ले जाएंगे। लगभग कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते बहुत खराब है जिस कारण से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। देख सकते हैं पीछे सुनी जी अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं, गौतम जी, आर्यन जी, और रास्ते बहुत खराब हैं और ये है बाइक से जाने का रास्ता। इसी रास्ते होते हुए ऊपर की ओर चढ़ना है। हालांकि बहुत ही ऊंचा है अभी भी रास्ता, तो बने रहे इस वीडियो में। ये दो गाड़ी जो हमें ऊपर की ओर ले जा रही हैं, अश्विनी जी थक चुके हैं गाड़ी चला चला के, और ये रास्ते पार करने के बाद हम लोग यहाँ से पैदल के रास्ते देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैदल चलने को मिल रहा है यहाँ पर।
ये हेलीपोर्ट उतारने के लिए। हम लोग दर्शन करके नीचे की ओर उतरते हुए देख सकते हैं एक भाई साहब का नेटवर्क नहीं आ रहा है और ये पुरुषोत्तम जी काफी थक गए हैं, हालांकि खाना खोज रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है इनको। और आर्यन जी एकदम पूरा फ्रेश है, इनका पूरा खुश है, चेहरे में स्माइल दिख रहा है इनका। कौन सा चौकी है और ये देखिए पुलिस साहिबगंज। और यहाँ पर देखिए पानी की उत्तम व्यवस्था है। ए भाई पानी भर लो।